राष्ट्रीय महिला दिवस पर ग्राम प्रधान ने बांटा खेलकूद का सामान। ग्राम सभा हिनौता में मनाया गया राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अवसर पर ग्राम प्रधान गोपीनाथ गिरी के द्वारा बच्चियों को खेलकूद का सामान बांटा गया। वहीं हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, आइए सुनते हैं उन बच्चियों ने क्या कुछ बताया है, उसके बाद में हम आपको सुनाएंगे ग्राम प्रधान का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? सुमन। क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं। आज कौन सा दिन है, क्या है आज? राष्ट्रपति महिला दिवस है जी। आज खेलकूद सामग्री मनाया जाता है, हम लोग खेलते हैं टीम में बना के घर पे। आप पढ़ते हो? जी सर। पढ़ के क्या बनना चाहते हो आप? सर अभी तो कुछ बनना चाहती हूँ, आगे खेलकूद में सामग्री। अच्छा, पढ़ाई का उद्देश्य क्या है आपका, सिर्फ पैसा कमाना या सेवा करना? नहीं, सेवा करना। किस तरह से सेवा करना चाहते हो आप लोगों का? गाँव में बन के सेवा करना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? नर्स बनना चाहते हैं। जी जी जी। इन बहन का कहना है कि ये भी प्रयास करेंगी एक स्वास्थ्य कर्मी बन के लोगों की सेवा ये कर सके, ऐसा जज्बा है इस बहन के अंदर। आइए हम बात करते हैं कुछ और बहनों से। क्या नाम है आपका? पढ़ते हो आप? किस क्लास में? पढ़ के क्या बनना चाहते हो आप? अभी तो पढ़ाई चल रही है। जी जी। पढ़ाई का मेन उद्देश्य क्या है, जिसे आज के डेट में सब लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखे हम नौकरी करें पैसा कमाएं, आप क्या चाहते हो? जी बात, पैसा कमाना चाहते हो? नहीं। हाँ, फिर क्या करना चाहते हो? देश का सेवा करना और एक दूसरे की भलाई करना। क्या बन के आप सेवा करना चाहते हो देश की? क्या करते हो आप, पढ़ते हो? जी हम पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? उजाला कुमारी। हाँ, पढ़ के क्या बनना चाहते हो? नर्स। खेलते हो आप? हाँ। क्या खेलते हो, कौन सा गेम खेलते हो? वॉलीबॉल खेलते हैं। वॉलीबॉल खेलते हो? आज यहाँ पे वॉलीबॉल का प्रोग्राम भी है, शायद आप लोगों को गिफ्ट भी मिलने वाला है, कुछ पता है आपको? नहीं, हम लोग अभी नहीं पता है। चलिए ठीक है। इन बहन का कहना है कि नहीं आप, हम सर्विस करना चाहते हैं। किसी बहन का कहना है कि नहीं हम सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। आज भी इन बहनों का, इन बेटियों का जज्बा है देश सेवा का। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं यहाँ के ग्राम प्रधान महोदय से। इन ग्राम प्रधान महोदय ने आज ही के दिन क्यों चुना इन बहनों के लिए, इन बेटियों के लिए उपहार देने के लिए, इस मुद्दे पर बात करेंगे हम यहाँ के ग्राम प्रधान महोदय से। उपहार देने के लिए आपने आज ही का दिन क्यों चुना? आज जो है राष्ट्रीय महिला दिवस है, और जो लिंगानुपात कार्यक्रम चल रहा है सरकार के द्वारा, इसमें जो देखने को मिलता है कि आज बेटियों की संख्या जो है कम होती जा रही है, तो लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है गांव-गांव में और ख़ास तौर से जहां भी जाते हैं, जैसे हम लोगों का भी एक संघ है, संघ के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। तो जैसे हम ग्राम प्रधान हैं, तो हमारा है राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन। तो इस संगठन के माध्यम से हम लोग चूंकि और भी गांव में जाते हैं और अपने ग्राम प्रधान साथियों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, तो वहाँ भी जब भी जाते हैं तो अगल बगल के गाँव में जो भी गाँव के लोग जुटते हैं उनसे हम लोग बराबर यह बात कहते हैं कि आज जो बेटियों का अनुपात जो है समाज में कम होता जा रहा है, क्योंकि एक भ्रांति फैली हुई है इसके पीछे कि जो है बेटे रहेंगे तो बेटे जो है हमको आगे हमारी सेवा करेंगे, और हमको जब पानी देंगे, तर्पण देंगे जिसको कहा जाता है हिंदू धर्म में, तो हमारी आत्मा को मरने के बाद जो है शांति मिलेगी। मगर सवाल ये है कि जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो बेटे कहाँ से आएंगे? तो इस वजह से लोगों में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए और लोगों को यह बताने के लिए कि जब एक बेटी को आप पढ़ाओगे, आप बेटी, पहले जो बेटी लोग मार देते थे, अब तो खैर ऐसी बात नहीं है, कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। और बेटियों को जो है लोग काफ़ी उत्सव मनाते हैं पैदा होने के बाद,
क्योंकि सबको यह महसूस हो रहा है, जनता आम जनता को यह महसूस होने लगा है कि नहीं बेटियां जरूरी हैं। और बेटियों से एक फायदा और होता है कि अभी तक बेटियों के पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देता था, मगर बेटियां जब शिक्षित होंगी तो उससे, जैसे जब लड़का कोई शिक्षित होता है तो वह सिर्फ अपने परिवार के लिए वो रोशनी का काम करता है, मगर बेटी जब शिक्षित होती है तो वह दो परिवारों को शिक्षा देती है। जैसे अपने माता पिता के घर रहती है तो माता पिता की भी सेवा करती है। और आज तमाम देखने में यह आता है कि जैसे बेटियां हैं, किसी को बेटे नहीं हैं, बेटियां हैं, तो वह अंतिम समय में अपने माता पिता की जितनी सेवा कर लेती हैं उतने बेटे जो है वो सेवा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से आज जो है हमारी बेटियां सेना में भी हैं, हमारी बेटियां हवाई जहाज भी चला रही हैं, और अभी जो है जैसे हम इसमें कल्पना चावला का उदाहरण दे सकते हैं। तो बेटियों के अंदर जो जज्बा देखने को मिल रहा है, हमने जो देखा, हमने जो पाया कि बेटियों के अंदर एक जज्बा भरा हुआ है। और हमारे गांव में जैसे बच्चे हैं, खेलकूद करते हैं, बच्चों को खेलकूद सामग्री का वितरण किया जाता है, तो लड़कियों ने भी अपना महिला मंगल दल बनाया है और उन्होंने कहा हमसे कि हमको जो है खेल सामग्री मिलनी चाहिए। तो खेल से भी उनके स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य जो है उनका अच्छा बनेगा। और जब स्वास्थ्य अच्छा बनता है, देखिए सबसे जरूरी खेल से क्या होता है कि खेल से एक खेल की भावना पैदा होती है कि हम प्रतिस्पर्धा तो करेंगे मगर हम किसी से ईर्ष्या, देश, ये सब जो है नहीं करेंगे। और इन सबों को मिटाने की आज गाँव में विशेष जरूरत है, क्योंकि गाँव में जो माहौल बिगड़ता है ईर्ष्या और देश से ही ज्यादा माहौल बिगड़ता है। तो इस शांति को लाने के लिए, और इसमें बेटियां ज़्यादा कारगर हो रही हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का भी ध्यान है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान है। बेटी पैदा होने पर प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिलता है उनको, जिसमें भी हम लोगों की सहभागिता रहती है, हम लोग उनको अधिक से अधिक मात्रा में दिलाने का काम करते हैं। तो हमने इसीलिए आज के दिन बालिकाओं को खेल सामग्री वितरित करने का काम किया कि जब उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो कहा गया है कि हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और जब स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा तो उनकी जो है जो वो है पढ़ने लिखने की कार्यशैली जो है, उनका जो दिमाग जो है आगे डेवलप करेगा, और आगे पढ़ लिख करके चाहे वो जो है समाज की सेवा में जाएं, चाहे वो देश की सेवा में जाएं, किसी भी तरीके से, चाहे चिकित्सा की क्षेत्र हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि के ही क्षेत्र में जाएंगी, तब भी निश्चित रूप से हमारे गांव का और हमारे देश का विकास होगा।